youtube पे तो एटलीस्ट कर ले लेंगे बैच में क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल आपको पता है गर्लफ्रेंड यानी gf से हमने याद कराया हुआ आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें बड़ी मांसपेशियों का स्थूल स्थूल गतिक कौशल कहते हैं बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है और दूसरी होती है फाइन यानी सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें छोटी मांसपेशियां जैसे आपकी हाथों की उंगलियों की मसल्स और आपकी आंखों के साथ कोऑर्डिनेशन ये सब यूज़ होता है जैसे लिखने में राइटिंग में इन सब में राइटिंग है ड्राइंग है पेंटिंग है है ना इन सब में क्या है फाइन मोटर स्किल्स दौड़ने भागने उछलने कूदने रनिंग जंपिंग स्विमिंग है ना इन सब में क्या होगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स क्योंकि बड़ी मांसपेशियाँ ज़्यादा यूज़ में आती हैं ऐसा नहीं है स्विमिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपके हैंड्स भी यूज़ हो ही रहे हैं या फिर अगर हम बात करेंगे Uh, किसी और भी चीज की जैसे ड्राइविंग को लेके कई लोगों को लगता है कि ड्राइविंग फाइन है कि ग्रॉस है तो ड्राइविंग में आपकी आंखें भी देख रही हैं लेकिन मुख्य काम जो है आपकी लेग्स और आपके हैंड्स का है या आर्म्स का है अगर मैं कहूँ तो तो इसलिए वो ग्रॉस मोटर में चली जाती है फिर तो रनिंग ऑन बोर्ड रनिंग में बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी तो ग्रॉस मोटर स्किल्स स्विमिंग में अगेन आपकी बिना आपकी थाई मसल्स के यानी आपकी लेग्स के और आपके हैंड्स आर्म्स के है ना तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग यहाँ ज्यादा है तो ये भी ग्रॉस में चला गया पुटिंग बीट्स इन अ थ्रेड ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका पेपर में 86 परसेंट लोग सही जवाब इसीलिए दे पा रहे हैं धागे में मोती प्रोना वो होता है ना जब आपने देखा होगा अपने आसपास जो आपके घर के बड़े होते हैं तो अगर कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई करता है स्पेशली सिलाई करने में तो आपकी दादी आपकी नानी आपको कह सकती हैं इवन मम्मियां भी आपकी कहेंगी कि यार इस सुई में ना धागा पिरोना है मान लो आजकल तो पता नहीं नए नए तरह की मशीन्स आ गई हैं कितने लोग ये करते होंगे बट जब हम छोटे थे तब होता था ये कि तुम्हारी बच्चों की नई आंखें हैं तो एक काम करो मतलब ज़्यादा अच्छी तुम्हारी आईसाइट है यानी तुम्हारा फाइन मोटर स्किल्स बेटर है अभी तो क्या कर सकते हैं एक एज के बाद तीन साल के बच्चे को नहीं कहेंगे ऑफकोर्स ये बात तो आप आ, वो सुई में धागा पिरोना भी क्या है एक तरह से फाइन मोटर स्किल है उसी तरह से आप एक धागे में मोती पिरो रहे हैं तो वो भी फाइन मोटर स्किल्स है सिलाई कढ़ाई बुनाई आंखों में आईलाइनर काजल ये सब भी लगाना क्या है फाइन मोटर स्किल्स है है ना किकिंग ऑफ फुटबॉल फुटबॉल किक करने में आपकी लेग्स की मसल्स यूज़ हो रही हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं तो बाकी के तीनों ग्रॉस मोटर हैं एक ही है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण जो है थर्ड ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ये क्वेश्चन फिक्स्ड है बहुत बार आते हैं और लगभग हर जगह पे आते हैं तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जो विकास का शीर्षगामी शीर्ष मतलब सर की बात हो रही है सिंपल समझ आइए आप शीर्षगामी सेफेल का मतलब ही आपको बताया है ब्रेन या खोपड़ी आपकी ठीक है ना तो सेफेलो कार्डल यानी सर से पैर ठीक है सर से पैर बिल्कुल सही जवाब आप लोग अपने आप दे रहे हैं उसमें क्या ही एक्सप्लेन करें हेड टू टो टू यानी सर से पैर की ओर कंट्रोल जा रहा है बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है फिर क्योंकि छोटे बच्चे फिर गर्दन संभालना सीखता है छोटे बच्चे की गर्दन पे भी आप हाथ लगा के उसको उठाते हैं जब गोदी में भी लेते हैं क्यों क्योंकि अभी सर से पैर की तरफ कंट्रोल जा रहा है है ना फिर वो ये वाला पार्ट फिर वो खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा बैठना सीखेगा उससे भी पहले तो सर से पाओं की ओर जो है दिशा रहती है ये विकास की दिशा है है ना किसकी दिशा है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जिसमें दो दिशाएं आती हैं ये प्रिंसिपल है दिशा का एक है सेफेलोकॉडल और दूसरा है आपका अप्रॉक्सिमो जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं जिसको हम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज कहेंगे उल्टा कर दिया उन्होंने एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर कुछ नहीं होता है ना स्पेसिफिक टू जनरल कुछ नहीं होता जनरल टू स्पेसिफिक होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है तो बाकी के तीन तो वैसे ही इतने फालतू के उदाहरण है कि जो पॉसिबल भी नहीं है, है ना चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं और समझते हैं सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आना ही निश्चित है फिक्स है बिल्कुल डैश इज अ प्राइमरी यानी प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है और कौन सा सेकेंडरी यानी गौड़ सामाजिकरण का कारक है सामाजिकरण क्या होता है समाज में रहने के तौर तरीके सोशल स्किल सीखना सामाजिकरण है ठीक क्या आप अडॉप्ट करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से कि समाज में कैसे रहेंगे ठीक फटाफट से बताइए और जवाब दीजिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का उदाहरण पहला ऑप्शन है इमीजिएट नेबरहुड जो आसपास का एकदम नज़दीकी पास पड़ोस है एकदम जो सब आप बिल्कुल पास में रह रहे हैं जहाँ ठीक मास मीडिया मास मीडिया क्या है आपका टेलीविज़न हो सकता है आपका न्यूज़पेपर हो सकता है आज की डेट में आपका कोई और यूट्यूब uh, चैनल पे अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं या फिर इवन uh, फ़ोन भी आपका कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं इवन अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपका मास मीडिया में आ जाएगा प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया में स्पेशल न्यूज़पेपर हो गया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गई अब देखो प्रिंट मीडिया मीडिया भी सेकेंडरी है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वॉट तो वो भी सेकेंडरी हो गए दोनों सेकेंडरी हो गए सेकेंडरी नहीं हमें एक प्राइमरी चाहिए पहले ही और फिर सेकेंडरी चाहिए ठीक स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता तो पहले हमको प्राइमरी ढूंढना था ये उल्टा कर दिया फैमिली सेकेंडरी होती है फैमिली सेकेंडरी कैसे हो जाएगी भाई तो पहला ऑप्शन आपको फैमिली होता अगर ये ऐसे होता कि फैमिली पहले होती स्कूल बाद में होता तो यही सही हो जाता लेकिन यहां नहीं हो सकता फिर है लॉ और न्यूज दोनों सेकेंडरी है द्वितीय कारक है प्रमुख आ, कहना गलत होगा यहाँ पे प्राथमिक कहें अगर हम यानी पहला सबसे प्राइमरी एजेंट जो है सोशलाइजेशन का जहां सबसे पहले आप समाज की दुनिया के बारे में बेसिकली जानना शुरू करते हैं कि कोई घर आए तो नमस्ते करते हैं आसपास का माहौल आपका यानी परिवार होता है लेकिन परिवार अगर ऑप्शन में ना हो और मैंने आपको बताया हुआ है नेबरहुड की अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है नेबरहुड प्राइमरी में भी चला जाता है और नेबरहुड आपका सेकेंडरी में भी चला जाता है डिपेंड करेगा ऑप्शन पे अगर फैमिली के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो कई बार प्राइमरी में चला जाता है तो इमीडिएट नेबरहुड अगर हम गांव की बात करें तो वहां तो पूरे गांव को आपको पास के सारे घरों की सारी स्टोरीज पता होती हैं है ना और सबको सबको बारे सबको सबके बारे में पता होता है सब आप अगर आपके पड़ोसी हैं तो आप उनको भी दादाजी बोल रहे हैं अपने दादाजी को भी दादाजी बोल रहे हैं तो एक तरह की फैमिली ही हो जाती है तो उस केस में जो इमीडिएट नेबरहुड है वो क्या हो गया प्राइमरी हो गया ठीक और क्योंकि फैमिली का ऑप्शन ही नहीं है डायरेक्ट और मास मीडिया तो आपका जाएगा ही सेकेंडरी में तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही बनता है इतनी बात क्लियर है चले आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर प्याजे के बारे में क्वेश्चन है फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कहते हैं भाई जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू जीन प्याजेज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट थियरी एट विच स्टेज चिल्ड्रन थिंकिंग बिकम्स साइंटिफिक बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक चिंतन ब, बन जाता है वो कौन सा स्तर है आपको पता है प्याजे की चार स्टेजेस हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसी लिखी हुई है एस पी सी एफ ठीक है ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको याद कराया हुआ है ये क्या है जन्म से दो वर्ष सेंसरी मोटर दो से सात प्री ऑपरेशनल सात से ग्यारह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक एंड इलेवन एंड अब, अब, अब हो जाएगा औपचारिक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल हमेशा आता है क्वेश्चन अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं देखिये साइंटिफिक थिंकिंग लॉजिक पहली बार आया है कॉन्क्रीट में लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है क्योंकि ये अमूर्त तरीके से नहीं सोच सकता बच्चा यहां कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ना तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई अमूर्त चीजों के बारे में सोचना ना ही उसके अंदर अभी डिडक्टिव लॉजिक आया है यानी वो सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक उसके अंदर आया है इंडक्टिव रीजनिंग के वो उदाहरण से नियम की ओर जा पाएगा लेकिन नियम से उदाहरण की ओर वो डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशन में आएगी तो साइंस भी आनी चाहिए आपको कोई थियरम है क्या हुआ था कौन सी थियोरी कैसे प्रूव हुई थी है ना और क्या है आपका अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की तो वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाना है ना तो वो क्या होता है फिजिक्स में लोग अज्यूम करेंगे चीजें बहुत सारी है ना एक बेसिकली थिंकिंग आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी जरूरी नहीं है कॉन्क्रीट ही रहेगी कॉन्क्रीट में क्या होता है जो चीजें सामने हैं जैसे ये पेन सामने है इसके बारे में समझ जाएंगे बच्चे अगर आप दिखा दोगे फटाफट से लेकिन कोई एक थियोरी है कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंटिफिकली जिसमें थिंकिंग जो है आपकी जो सामने चीजें नहीं है उसके बियॉन्ड आपको इमेजिन करके भी सोचना पड़ सकता है ठीक तो वो औपचारिक संक्रियात्मक है इस बार एक क्वेश्चन आया था फॉर्मल ऑपरेशनल को लेकर और ये आपकी टीन के आते आते और टीन से अडल्टुड के बीच में जो है डेवलप होती है साइंटिफिक थिंक, थिंकिंग जो है अगर मैं बात करूं इस बार क्वेश्चन आया था कि थिंकिंग अबाउट आ, सिंबल्स के बारे में सिंबल आ, सोच पाना कुछ तो इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग लग रही थी कि सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज कर पाना यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स तो सिंबॉलिक थिंकिंग तो आ गया था यहां प्री ऑपरेशनल में लेकिन सिंबल्स पे भी और आप सोच पा रहे हैं आगे इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन जो सामने है उसके परे ही जाके सोच पा रहे हैं तो थिंकिंग या फिर सिंबल्स थिंकिंग कुछ तो था इस तरह का मतलब सिंबल हाँ यूजिंग सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ सिंबल्स और समथिंग इस तरह का था कि सिंबल्स की जगह पे सिंबल्स यूज करना मैं वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं याद कर पा रही हूं तो वो भी फॉर्मल ऑपरेशनली था अमूर्त चिंतन आ जाए तब भी बात यही है आपका एक और चीज आती है हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाए तब भी आपका लास्ट स्टेज ही होगी जीन प्याजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है फटाफट से बताना है चार एलिमेंट है या आपके तत्व हैं एम ई -E एस ई -E. इन्हीं चार में से कुछ होगा इंपॉर्टेंस प्राइवेट स्पीच वाइगॉस्की ने बात की है हमसे पूछा कौन है प्याजे तो ये तो गलत हो गया रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना प्याजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट को ये बिलोंग करते हैं यानी रचनावाद वो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करता टीचर्स पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी से ज्यादा यहां पे अगर हम बात करें टीचर की पर्सनैलिटी मैटर नहीं करेगी टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स तो ये सब सेकेंडरी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है बायोलॉजिकल मैचुरेशन क्योंकि ये -E -E में आपको याद होगा मैंने बताया था पहला या जो होती है से, प्याजे आपकी हेरिडिटी को, को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, हैं वहीं अगर मैं बाइकॉस्की की बात करूं तो वो हेरिडिटी जेनेटिक्स बायोलॉजी को उतना महत्व नहीं देते हैं ये उनका क्रिटिसिज्म है ठीक तो सिंपल बात है कि भाई आपने हेरिडिटरी क्षमता है 11 साल से इस उम्र के चेंज होते होते आप में क्षमताएं आती जा रही हैं कैसे क्योंकि आपके अंदर जेनेटिक्स में वो क्षमताएं हैं डॉग की एज चेंज होगी ग्यारह साल में जरूरी नहीं है उसको जो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी कुत्ते के अंदर क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स तो वो प्याजे ऐसा नहीं एक्टिविटी पे महत्व नहीं दे रहे हैं लेकिन जेनेटिक्स को भी उन्होंने अच्छा खासा महत्व दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना एक बार आर्यन डायरेक्ट मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़ एज पर स्कूल्स प्री आर्यन एक टीचर हैं जो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्कूल के प्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्कूल का जो नियम कायदे कानून है स्कूल के उनको फॉलो करते हुए वो अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं कि टाइम पे टीचर को आना चाहिए या फिर क्लास इस टाइम से इस टाइम होगी इस सलेबस तब से तब तक खत्म होना है वो अपने सिलेबस स्कूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्कूल का या जो रूल रेगुलेशन है स्कूल के संविधान के हिसाब से चलते हैं स्कूल के वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रियम्बल दिया हुआ है तो वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं जो तय किया है स्कूल ने एट विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग कौन से तर्क के स्तर पे होंगे आर्यन अगर हम कोहलबक की थियोरी की बात करें कि वो जो स्कूल ने नियम कायदे कानून तय किए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं स्कूल के नियम कायदे कानून कहीं गलत भी हो सकते हैं हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए हमें कई बार नियम के विरुद्ध या फिर एज पर नीड हमें चेंज करना पड़े बट ये कहेंगे जो नियम है मैं उसी के अनुसार चलूंगा इसका मतलब कन्वेंशनल मॉरेलीटी है यानी क्या है परंपरागत स्तर है जो लेवल टू में आता है कोलबर्ग की थियोरी में लॉ एंड ऑर्डर यानी रूल्स आर रूल्स रूल्स फिक्स्ड होते हैं रिजिड होते हैं आपको नियमों के अनुसार परंपराओं के अनुसार सोसाइटी के अनुसार कुल मिलाकर के या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि स्कूल उसके अनुसार उसके नियमों के अनुसार आप चल रहे हैं रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे चाहे किसी की जान जानी हो बचनी हो है ना जबकि पोस्ट कन्वेंशनल में आप थॉट दे देते हैं कि ठीक है कुछ नियम है लेकिन वो नियम लोगों के लिए बनाए गए हैं अगर उनका भला नहीं हो रहा तो चेंज भी कर सकते हैं ठीक तो सेकेंड लेवल यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड लेवल और फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कै फोल्डिंग इफेक्टिव वे यानी बेहतर तरीका स्कैप फोल्डिंग मचान का बच्चों के लिए दे आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम बच्चे किसी एक प्रॉब्लम पे फंस गए हैं अटक गए हैं किसी एक स्टेप पे मान लीजिए उनको स्कैप फोल्ड यानी हेल्प करने का टेम्प्रेरी हेल्प को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं कौन सा तरीका होगा 68 परसेंट लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्टली आंसर बता दो तो डायरेक्टली आंसर बताना स्कैप फोल्डिंग में नहीं आता आप हिंट देंगे प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व करेंगे क्यूज देंगे है ना डायरेक्ट आंसर नहीं बताते बच्चे को आंसर तक पहुंचने में मदद करते हैं क्योंकि आपने बता ही दिया तो फिर उसको हेल्प वो टेम्प्रेरी हेल्प नहीं हुई ना आपने तो फिर उसका काम ही खत्म कर दिया बच्चे को भी तो मौका देना सोचने का पनिश करना ऑप्शन में ही नहीं है कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम विद प्रॉबेंट इन्फॉर्मेशन फालतू की इन्फॉर्मेशन दे दो बच्चा ए पूछ रहा हो आप डी की बात करो है ना तो वो बेकार की बात हो जाएगी प्रोवाइडिंग हाफ सोल्व सोल्यूशन आपने देखा होगा टीचर्स कई बार मान लो बच्चा दो स्टेप पे अटक गया तो वो तीसरा स्टेप सोल्व कर देते हैं फिर वो आगे का क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लेगा तो यही स्कैपोल्डिंग है कि मदद दे दी लेकिन अस्थाई मदद जिसकी बात वाइगॉस की कर रहे हैं अपनी थियोरी में क्वेश्चन नंबर एट देखेगा और फिर से अगेन वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप तीन क्वेश्चन एक सेट में क्वेश्चन नंबर एट कहता है टू एनहेंस कॉग्नेटिव डेवलपमेंट लैब वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर वाइगॉस्की किस चीज की विवेचना करेंगे या किस चीज के साथ जाएंगे अगर संज्ञानात्मक विकास बच्चे के दिमाग के विकास को बेहतर करना है तो है ना उसके सोचने समझने की शक्ति को देखो एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होती है बच्चे के दिमाग में भर दिया आपने कुछ डायरेक्टली ये ना प्याजी कहेंगे ना वाइगॉस्की कहेंगे ये चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं बच्चे को सेंटर में नहीं रखा जा रहा तो ये तो गलत है स्ट्यूमलस रिस्पॉन्स की बात कोई भी नहीं करेगा जो भी बच्चे के पक्ष में है क्योंकि उसमें आदत डलवाने वाली बात होती है बच्चे को पैसे रखा नहीं जा सकता कि वो बस दो एक दो दूनी दो चार आपने रट्टे लगवा दिए उसको है ना नहीं असिस्टेड लर्निंग बच्चा एक ही जगह पे एक्टिव है जहां एक्टिव है बच्चा वो बेहतर ऑप्शन है समर्थित अधिगम यानी कोई इसको दो तरीके से किया जा सकता है या तो टीचर असिस्ट करे जहां जरूरत है बच्चे के दोस्त भी उसको मदद कर सकते हैं असिस्ट कर सकते हैं है ना वर्ड होता है ना असिस्टेंट वर्ड हम यूज करते हैं पर्सनल असिस्टेंट कोई किसी का पीए है तो वो क्या कर रहा है हेल्प ही तो कर रहा है व्यक्ति को उस काम में ठीक है ना तो ये टीचर हेल्प कर सकते हैं असिस्टेंस मिल सकती है टीचर से पीयर्स बच्चे के साथी समूह कोई दोस्त हेल्प कर सकता है किसी क्वेश्चन पट के तो, तो बेसिकली उसको असिस्टेंस मिलेगी असिस्टेड लर्निंग की बात प्याजे सॉरी वाइगॉस करते हैं प्याजे नहीं है सच ठीक है चलिए खैर क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन है जॉन डुई को याद कीजिए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैप्टर है आपका प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना बच्चा सेंटर में है प्रेजेंट लाइफ के लिए बच्चा सीखता है यहाँ पे एजुकेशन इज लाइफ इट ये कहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डुई ने कि जो शिक्षा है वो जीवन है या वर्तमान जीवन के लिए सिखाइए है ना और प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखेगा बच्चा यहाँ पे वर्तमान जीवन के लिए ठीक जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर पाएगा ग्रुप में सीखेगा बच्चा एक्टिव हुआ कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट या स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन बात सही है टीचर्स एज दी फोर सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं तभी चाइल्ड सेंटर्ड है स्टूडेंट्स पैसिव हैं बच्चों को पैसे आप नहीं रख सकते बच्चों को एक्टिव रखना है पैसे का मतलब है बस वो बैठा हुआ है चाहे नींद आ जाए पीछे सो जाए वो बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स इज रेलिवेंट इन दी प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो किताबें हैं वो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में रेलिवेंट नहीं है ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक भी इम्पॉर्टेंट है उनकी अपनी भूमिका है तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जहाँ बच्चा एक्टिव है सिंपल जवाब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पर क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है भाई फटाक से देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन कहता है आ, आशेमा इज पॉपुलर अमोंग हर फ्रेंड्स फॉर हर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ अदर्स में टीचर हो सकती हैं दोस्त हो सकती हैं कोई क्लास में बच्ची हो सकती है जो अपने दोस्तों का मान लो किस दिन मूड खराब है तो वो तुरंत से पहचान जाती हैं, या कोई बच्चा अगर वो टीचर हैं तो मोटिवेशन को तुरंत समझ जाती हैं कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है घर में कोई घटना घट सकती है क्या स्थिति है पीटीएम में वो पता कर सकती हैं है ना वो आइडिया लगा लेती हैं कि दूसरों की मोटिवेशन उनका मूड कैसा है अदर्स की बात हो रही है तो जब बात अदर्स की होती है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर के अनुसार ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है इंटर का मतलब ये दो या दो से अधिक हम कहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंटर स्टेट बसेस यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जाने वाली बसेस को हम कह रहे हैं इंटर स्टेट बसेस है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाती है बस है ना या फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं उसी तरह से इंटरपर्सनल का मतलब है कि दो या दो से अधिक लोगों को यानी अदर्स को जान पाना इंट्रा पर्सनल होता है खुद की क्षमताओं को खुद की मोटिवेशन को जान पाना तो वो इंट्रा पर्सनल हो जाएगा ठीक तो इंट्रा और इंटर में बहुत कंफ्यूज होते हैं इंटर मतलब दूसरों की मोटिवेशन को या दूसरों के मूड्स को जानना और इंट्रा मतलब सेल्फ खुद को समझना क्वेश्चन नंबर इलेवन आठ प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताई है अजर्शन यानी कथन और इसका कारण फटाफट से देखते हैं आ टीचर शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप टास्क डिस्कशंस एंड डिबेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को ग्रुप वर्क देना चाहिए समूह कार्य परियोजना वर्क प्रोजेक्ट मैथड की अगर हम बात करें तो ये दिया था आपके डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने और ये प्रोजेक्ट मैथड प्रेगमेटर्स यानी जॉन डुई जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं उन्हीं से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं तो बच्चे यहाँ एक्टिव रहते हैं प्रोजेक्ट मैथड में ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ठीक है ग्रुप मेथड अपने आप में ग्रुप हो गया चर्चाएं कर रहे हैं वाद विवाद चल रहा है यानी बच्चे एक्टिव हैं ठीक तो ये तो सही है ऐसा करना चाहिए बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए लर्निंग रीजन uh, क्या है इसका लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो अधिगम है जो सीखना है वो विद्यार्थियों के समाज और संस्कृति यानी आसपास के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर तो ये गलत हो गया अब आप लोग सिक्सटी लोग इसमें गलत जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप जल्दी में जवाब दे रहे हैं इसको पढ़ना है ये कह रहे हैं लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी स्वतंत्र है अधिगम समाज और संस्कृति से कैसे स्वतंत्र हो जाएगा भाई समाज और संस्कृति से जिस समाज में जिस संस्कृति में जिन बच्चों के बीच आप रह रहे हैं जब ग्रुप में सीखेंगे तो स्वतंत्र कैसे हो जाएगा ये तो इंटरडिपेंडेंट हो गया कि बच्चे सीखेंगे ये कह रहे हैं कि सोसाइटी और कल्चर का कोई इंपैक्ट नहीं है जबकि वायगॉस की कह रहे हैं जबकि अगर रचनावाद की बात करें या सॉरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो वो ग्रुप बना करके सोसाइटी में बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड ग्रुप बना के बच्चों को सिखाने की बात करेगा और ये कह रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट मेथड से या ग्रुप में सिखाओ बच्चों को क्योंकि लर्निंग पे तो समाज और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये बात तो इसके साथ जा ही नहीं रही ये बात तो गलत हो गई कि प्रभाव नहीं पड़ता भाई ग्रुप में सिखाओ अच्छी बात है लेकिन इसका रीजन ये थोड़ी है कि ग्रुप समाज का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए ग्रुप में सिखाओ ये तो उल्टी बात हो गई है ना तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स समझ पा रहे हो बात को तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है अभी भी फिफ्टी सेवन परसेंट लोग लगे हुए हैं इसी जवाब को देने में कि फर्स्ट ही सही है खैर आगे बढ़ते हैं भाई, आर तो गलत है ना ए सही है, तो है, है उसके अनुसार भी गलत है जवाब दो मैं थोड़ा दो बूंद जिंदगी की फटाफट आ फटर करो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम करूंगी क्योंकि मुझे हो रही है थोड़ी वीकनेस फील देखना एक बार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स लड़के गणित में अच्छे होते हैं एंड गर्ल्स आर गुड एट म्यूजिक एंड डांस और लड़कियां जो है डांस में अच्छी होती हैं अब कई लोगों को लग रहा होगा बड़ी सही बात है हाँ ऐसा ही तो होता है ये एक रूढ़िबद्धता है ये एक स्टीरियो टाइप है एक धारणा है जो सही नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है जिसमें लॉजिक नहीं है अगर आप देख भी रहे हैं कि लड़कियां डांस में और म्यूजिक में अच्छी हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है उस चीज में जबकि लड़कों को इस चीज़ के लिए बढ़ावा जनरली नहीं दिया जाता तो उसके रीजन सोशल हैं कि अगर ऐसा है तो है ना मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जेनेटिक होता है अगर हम बात करें शकुंतला देवी की तो फिर तो हमारे पास वो एग्जाम्पल ही नहीं होता उनके ऊपर मूवी तक बन गई कि वो मैथ्स में इतनी अच्छी थी है ना अगर हम कह रहे हैं कि आ, कोई लड़की मैथ्स में अच्छी है और हम कह रहे हैं अरे लड़की होके मैथ्स में अच्छी हो लड़की होके टॉप कर रही हो तो ये बेवकूफी की बात है इसको स्टीरो कहेंगे भाई लड़की होके मैथ्स में अच्छा करना या टॉप करना क्या बुरी बात है इसमें है ना दिमाग तो भगवान ने सभी को दिया हुआ है और ठीक ठाक स्तर का दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं बल्कि गर्ल्स मेचोर फास्टर देन बॉयज है ना तो अगर हम देखें तो ये जेंडर स्टीरियो हो गया कि हम कह रहे हैं क्यों लड़का कोई म्यूजिक में या डांस में क्यों नहीं अच्छा कर सकता कितने सारे लोग आपको आज के टाइम में डांसर्स मिल जाएंगे जो लड़के हैं तो ये बेकार की बात हुई जिसको रूढ़ीबद्धता कहेंगे कि एक है प्री कंसीव्ड नोशन है जो पहले से चला आ रहा है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है समाज में वो चीज बस बन गई है एक धारणा की तरह ठीक है ना तो जेंडर स्टीरियो है ये इक्वालिटी इसमें कहीं तक नहीं है इक्विटी कहीं तक नहीं है पैरिटी कहीं तक नहीं है ये तीनों ही क्या करेंगे ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं एक तरह से क्योंकि इक्वालिटी मतलब आप बराबरी का अधिकार दे रहे हो इक्विटी जहां जैसी नीड है वैसे जा रहे हो पैरिटी मतलब आ, किसी भी आ, जेंडर के आधार पर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो है ना न्यूट्रल हो जेंडर न्यूट्रल हो तो स्टीडियो है ये अपने आप में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन फटाफट से आप लोग जवाब देंगे क्या क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू केटर डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अ टीचर शुड नॉट यानी आपको अलग अलग तरह के बच्चों को जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं है ना यानी एक बच्चा होगा जो सुन के सीखता होगा एक बच्चा है जो करके सीखता होगा कोई बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा होगा कोई बच्चा है जिसको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक में तो इंटरेस्ट होगा कोई बच्चा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा होगा जरूरी थोड़ी सारे बच्चे पढ़ाई में ही करेंगे अच्छा ठीक है ना तो इन ऑर्डर टू केटर दी डाइवर्स लर्निंग नीड्स अलग अलग तरह की नीड्स वाले बच्चों को कैटर करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए शुड नॉट लिखा हुआ ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि लेबल नहीं करना चाहिए बच्चे पर ठप्पा नहीं लगाना चाहिए तुम तो बेकार हो फेलियर हो तुम तो अच्छे हो तुम तो टॉपर हो और क्लासीफाई उसको कैटेगराइज नहीं कर देना चाहिए उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इवन किसी भी आधार पर कैटेगराइज या लेबल करना गलत है ठप्पा लगाना गलत है कि अगर हम कहें कि क्लासिफाई कर दिया आपने बच्चों को सोशल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर तुम इस जाति समूह से आते हो तुम इस कॉलोनी से आते हो तुम इस जगह से आते हो तुम इस गाड़ी से स्कूल आते हो तुम इस बाइक से स्कूल आते हो तो ये एकदम उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर कई बार आप कैटेगराइज कर रहे हैं है ना तो ये गलत बात है ठीक प्रेजेंट द कंटेंट इन वेरियस वेज हाँ आप मल्टीपल तरह से पढ़ाइए सेल्फ रेगुलेशन स्किल बच्चा खुद ही जांच पाए कहाँ गलती हो रही है मास्टरी ओरिएंटेशन की वो नंबर से ज्यादा लर्निंग पे फोकस कर पाए लेकिन यही बात गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था फोर्थ ऑप्शन आगे बढ़ेंगे कोई पूछ रहा है कि बाकी की तीन चार क्लासेज कहाँ देखें इस सीरीज की और इवन सी टेट जितनी भी क्लासेज हुई है प्लेलिस्ट बनी हुई है सी जुलाई दो हिमांशु सिंह डालेंगे तो वो पूरी प्ले आपके सामने आ जाएगी लेट्स लर्न पर जाकर के आप देख सकते हैं मतलब यूट्यूब पर ही डैश इज नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट आकलन करने का सही तरीका नहीं है नॉट लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड दी लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग दी एक्टिविटी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर को समझा है और लर्निंग गैप्स यानी कमी कहां रह गई है बच्चे की जानने का सही तरीका नहीं है नॉट पूछा है हमसे तो कौन सा तरीका सही नहीं है असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चा यहाँ एक्टिव होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये तो सही तरीका है पीयर असेसमेंट में भी बच्चा एक्टिव होगा अपने सहपाठियों के साथ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कोई एक्टिविटी कर रहा है सेल्फ असेसमेंट खुद को जांचने में भी ये भी अच्छी बात है लेकिन बाकी तीन के तीन ऑप्शन के हिसाब से असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जरूरी नहीं स्टैंडर्डाइज टेस्ट जहां भी आए वो गलत ही होगा है ना बाकी स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन हाँ गलत होता है नेगेटिव होता है लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट गलत नहीं है एनआरटी सी आर में आता है लेकिन इसमें कमी है वो कमी क्या है मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है बैच में भी और यहां पे भी के स्टैंडर्डाइज जो मानकीकृत परीक्षण है वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं जैसे यूपीएससी का एग्जाम जैसे सी का एग्जाम जैसे बोर्ड का एग्जाम यानी जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो किसी इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है तो गैप का पता ही नहीं लगेगा कि आप में क्या कमी है तो ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है कि पता लगाया जा सके ये तो सीधा आपको जजमेंट दे देगा कितना परसेंट आपने अचीव किया पास हुए या फेल हुए तो ये नेगेटिव है ये इफेक्टिव मोड नहीं है कि आप बच्चों की लर्निंग गैप को जान पाए ये तो सिंपल आपको परसेंटेज बता देगा कितना लर्निंग आउटकम रहा ठीक गैप जानना है तो ये सब कर लो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लो कोई आप चेकलिस्ट बनवा लो कुछ पोर्टफोलियो uh, बना लो है ना खुद से बच्चे का आकलन कर लो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन 15 देखना, ये है इक्कीसवीं शताब्दी का एक कौशल है, 21st के अंदर आता है जो आपकी जिसको बढ़ावा देती है ठीक तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या आप हर एक पहलू देख पाए किसी चीज का जस्ट मान ना लें किसी ने कह दिया तो न्यूज में कि 2000 के नोट में चिप लगी होती है तो आपने मान लिया ये एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ क्योंकि सबको समझ आ जाएगा आसानी से है ना आपको आपको चाहिए उसके पीछे का लॉजिक कि भाई साइंटिफिकली ये कैसे पॉसिबल है है ना किसने कहा है अच्छा क्या ये आरबीआई ने कहा है कि नहीं कहा फिर ये न्यूज कहां से आ गई ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे क्यों क्योंकि आप लॉजिक ढूंढेंगे डेटा ढूंढेंगे आप जस्ट ओपिनियन किसी ने कह दिया इसलिए नहीं मान लेंगे आपको प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस चाहिए हर एक पहलू से देखेंगे किसी चीज को ठीक है ना तो मल्टीप्लाई करना क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं ये तो जो आपको आता है वो आपने अप्लाई कर दिया इसमें अलग अलग पहलू से तो सोचा ही नहीं दिमाग पे जोर तो पड़ा ही नहीं और क्रिटिकल थिंकिंग बिना दिमाग पे जोर दिए नहीं होती वैन डिड हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट तो इसमें तो आप ईयर बता देंगे इसमें आपका कौन सा दिमाग पे जोर डला ये तो मेमोरी बेस्ड है रिकॉल बेस्ड है या तो याद होगा या तो नहीं पता होगा फैक्ट है तो वेयर इज दी ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखना ये वैसे भी वेयर वैन या वॉट इसमें 99% सिंपल तरीका पहचानने का आपको क्रिटिकल थिंकिंग पहचानने के लिए हाउ एंड वाई पे जाना पड़ेगा कि क्यों और कैसे कोई चीज होती है ये क्रिटिकल थिंकिंग में आती है क्योंकि इसके लिए दिमाग पे जोर पड़ेगा कि क्यों अब क्यों में सोचना पड़ेगा है ना इसने कहा लड़कियां कमजोर होती हैं गणित में क्यों दो चार सवाल आप पूछेंगे इस तरह के हाउ या आप एग्जांपल्स देंगे अपने आप दिमाग की दही हो जाएगी सामने वाले की क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा हाउ वुड यू रिजोल्व दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे है ना आप सुबह से शाम तक बुरा कहते रहे अपने सराउंडिंग को आसपास की चीजों को बट जब हम कहें कि अच्छा समाज में ये कुरीतियां हैं बदलेंगी कैसे तो फिर सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे सर में दर्द भी हो सकता है तो हाउ वाले क्वेश्चन जो है जनरली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं कि कैसे करेंगे कोई चीज या व्याय मतलब क्यों उसमें आपको हर एक पक्ष पे सोचना पड़ेगा बच्चों को हमें सोचने की आदत सिखानी है ताकि वो जस्ट मान ना ले चीजों को सोचे समझे क्वेश्चन करे लॉजिक लगाए इंक्लूसिव एजुकेशन केटर्स टू द नीड्स ऑफ समावेशी शिक्षा किस किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाया गया पूरा सिस्टम है इंक्लूसिव एजुकेशन पांच नंबर का टॉपिक है कल से बैचेस में शुरू होना है ठीक है ना और आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं सीटेट में पांच नंबर में पूछा जाता है और बाकी सब जगह भी पूछा ही जाता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां इंक्लूसिव एजुकेशन ना पूछा जाए और पेडगलॉजी आती हो ठीक है ना तो अगर हम देखें यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो भाई इंक्लूसिव का मतलब ये इंक्लूड कर लिया आपने हर तरह के बच्चे को समावेश कर दिया तो ये एजुकेशन फॉर ऑल का जो एक नारा कह लीजिए आप या फिर एक स्टेटमेंट है एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा चाहे कोई बच्चा बहुत गिफ्टेड है धीमे सीखता है हर तरह का बच्चा सीख पाए ठीक तो स्टूडेंट्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कोई गरीब है अमीर है हाँ हर तरह के बच्चों को इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स विद ओर जेंडर ओरिएंटेशंस जेंडर ओरिएंटेशन हो सकती है कि कोई मेल है कोई लड़का है और खुद को उसको महसूस होता है लड़की के जैसा तो वो ओरिएंटेशन है उसका कि वो आ, अपने आप को फीमेल की तरह ओरिएंट करता है कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से ठीक क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करेगा स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को डिस्लेक्सिया है डिस्ग्रैफिया dys, uh, है डिसकैल्कुलिया है कोई दिक्कत नहीं है तो ये सब क्या है हर तरह का बच्चा आ जाएगा चाहे वो गिफ्टेड हो कमज़ोर हो पढ़ने में या स्पेशली एबल्ड हो नॉर्मल हो कोई भी बच्चा हो हर बच्चे को इंक्लूड किया जाएगा तभी नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा जो कि आप लोग जवाब में दे भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन <clears throat> क्या हो गया पर कोई बात नहीं यहां गलती हो रही है कोई बात नहीं सीखने पे भी फोकस करना है देखना आज कितना स्कोर करते हो एकदम सटीक है ये सेट जो है ना? है ना चलिए बहुत बढ़िया अच्छे जवाब दे रहे हो वैसे आज आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी डायक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन कौन सी एक disability है, दिव्यांगता है जो सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती हैिटी होगी तो वो सोशल कम्युनिकेशन लोगों से बातचीत करना घुलना मिलना इन सब में दिक्कत उसको आएगी ही बताइए फटाफट से फिर क्या कहानी है हाँ बिल्कुल अनन्या लड्डू लगने भी चाहिए अगर ये वाले क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब समस्या है इसलिए नहीं कि ये लड्डू है बट ये क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीटेडली आपसे तरह तरह से पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे नो मैटर व्हाट आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है इससे पता लग जाएगा किसी को लड्डू लग रहा है इसका मतलब उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है क्योंकि ये पेयर में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए टॉपिक तो यही है इन्हीं इन्हीं से क्वेश्चन को अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है सेवेंटी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ऑटिज्म ऑटिज्म यानी स्वालीनता ये एक डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर बच्चा जैसे जो माइनेमिस खान में शाहरुख खान का कैरेक्टर है उसको ऑटिस्टिक है वो तो बहुत ज्यादा सोशली ज्यादा लोगों में घुल मिल नहीं पाता बहुत ही आ, अजीब बिहेवियर आपको करता हुआ नजर आ सकता है अजीब मैं और आप ही कहते हैं वो उसके लिए नॉर्मल है है ना उसके सराउंडिंग में उसके रूम में भी अगर आपने बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए उसको पसंद नहीं आएंगे है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चा पढ़ नहीं सकता है उसके दिमाग में कोई कमी है ठीक ठाक एवरेज इंटेलिजेंस के साथ भी ये दिक्कत हो सकती है डिस्कैलकुलिया होता है कैलकुलेशन यानी मैथ से रिलेटेड डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग इलेजिबल होगी यानी आप पढ़ नहीं पाएंगे लेजिबल नहीं होगी राइटिंग डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की वो डॉक्टर्स वाली राइटिंग भी आप उसको कह सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बच्चे को चलने फिरने में यानी हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई बच्चा है जो बैसाखी से आता है कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पर आ रहा है यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम वहां हो सकती है क्वेश्चन नंबर एटीन फटाफट से आंसर कीजिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आप जवाब दे पाएंगे एडीएचडी पे क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कैटअ टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी वाला बच्चा है अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहा है बच्चा यानी अः बहुत बढ़िया आपको देख के मेरा पढ़ने का मन कर जाता है चलिए बहुत खुशी की बात है यानी बच्चे का ध्यान ज्यादा देर तक एक जगह पे टिक नहीं पाता एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट है और एक्टिविटी बहुत ज्यादा है उछलता कूदता रहता है एक जगह शांति से बैठ करके पढ़ नहीं पाता है ठीक फटाफट से बताइए जल्दी से बताइए कि क्या करें तो बच्चे को आप पार्ट्स में तोड़ देते हैं जो काम देते हैं गिव मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम ज्यादा काम दे देंगे वो तो एक काम पे भी ध्यान नहीं टिका पाता ज्यादा देर तक तो ये तो गलत है मिनिमाइज दी डिस्ट्रैक्टर्स इन दी सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन को कम से कम कर दीजिए ताकि बच्चे का अटेंशन पहले ही बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है और अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्टर है आसपास माहौल में है ना कि शोर भी मच रहा है क्लास के आसपास बहुत शोर भी है बच्चे परेशान भी कर रहे हैं एक दूसरे को कोशिश करनी है कि उसको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो बच्चे को क्योंकि अटेंशन में उसकी वैसे ही कमी होती है असाइन आप खुद देख लीजिए ना अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा होता तो आप अगर फोन को भी साथ में रखेंगे और हर दो मिनट पे फोन खोल के देखते रहेंगे पढ़ते समय तो आपका अटेंशन की दिक्कत होगी डिस्ट्रैक्टर्स को क्या करना होगा साइड करना होगा उतनी देर के लिए कि 25 मिनट का टाइमर लगा दिया पांच मिनट के लिए फोन देख लेंगे अगर मन किया तो तो 25 मिनट तो पढ़ेंगे तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया उस देर उतने टाइम के लिए असाइन असाइनमेंट्स दैट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं इनको ज्यादा लंबी ड्यूरेशन का काम नहीं देना होता कि दो घंटे का पांच पांच मिनट में तोड़ दो आप क्योंकि ज्यादा देर तक ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते असाइन टास्क विच रिक्वायर पैसिव लिस्निंग पैसिव नहीं एक्टिव लिसनिंग चाहिए पैसिव में तो फिर बच्चे का ध्यान टिकेगा ही नहीं वो वैसे ही उछल कूद करता रहता है एडीएसटी वाला बच्चा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिएगा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी एन्श्योर्ड फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोको मोटर डिसबिलिटीज लोको मोटर मोटर का मतलब ये है चलना फिरना तो अगर हम देखें रागी नहीं तो चलने फिरने का मतलब यहां पे क्या है बच्चे को कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है है ना मतलब आ, अगर हम बात करें तो बच्चे को मोबिलिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वो आएगा ठीक तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को कैसे इंक्लूड करेंगे रैम्प एंड लिफ्ट टू मेक बिल्डिंग एक्सेसिबल जो बिल्डिंग है आपकी स्कूल की उसको एक्सेसिबल बनाइए लिफ्ट लगवा दीजिए अगर हो सकता है तो नहीं तो रैंप बनवा दीजिए एटलीस्ट और दिल्ली के बहुत सारे स्कूल में रैम्स हैं सीढ़ियों की बजाय क्योंकि एक बच्चा है जो जो बैसाखी से स्कूल आता है जो व्हील चेयर से स्कूल आता है या जिसको पैर में दिक्कत है बाई डिफॉल्टो तो वो सीढ़ियों से चढ़ना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या तो ग्राउंड फ्लोर पर क्लास लगवाइए या फिर रैम्प बनवा दीजिए ताकि नॉर्मल जो बच्चा है जो चलने फिरने में जिसको दिक्कत नहीं है वो भी जा सके और ये वाला बच्चा जिसकी व्हील है मान लीजिए तो उसकी व्हील भी, भी जा सके तो इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि हम सिस्टम में चेंज करते हैं ना कि बच्चे में इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा स्कूल के ना कि बच्चे को तो चेंज नहीं कर सकते अगर कोई दिक्कत है तो फ्रिक्वेंट चेंज कर दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं उससे उसको दिक्कत होगी टॉप फ्लोर पे बिठाइए जब उसको तो ग्राउंड फ्लोर देना चाहिए आपको आप कह रहे हैं टॉप फ्लोर पर बिठाइए है ना डिजाइनिंग एक्टिविटीज रिक्वायर फ्रिकुवेंट मोबिलिटी नहीं ज्यादा चलने फिरने की एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व मत कीजिए उसको ऑलरेडी ही दिक्कत है थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट आप रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ है स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस वो बच्चा जिसका आई क्यू मान लीजिए वन ट्वेंटी वन फॉर्टी प्लस है है ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं वन एक सौ तीस के आसपास भी आई क्यू है तो गिफ्टेड है ठीक तो गिफ्टेड मतलब और ये हुआ आई क्यू का आधार इसके अलावा गिफ्टेड बच्चे वो हैं जो कमिटमेंट रहती है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हाई कमिटमेंट हाई एबिलिटी क्षमता इनमें ज्यादा होती है बाकियों से और क्या होगा क्रिएटिविटी की भी क्षमता ज्यादा होती है तीन प्रकार के गिफ्टेड बच्चे होते हैं एक है आपका जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट है जिसका आईक्यू ज्यादा है एक है आपका जो टैलेंटेड है किसी एक क्षेत्र में हो सकता है तबला बहुत अच्छा बजा, बजाता हो एक हो सकता है आपका क्रिएटिव बच्चा जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो भाई सचिन तेंदुलकर को भी तो हम गिफ्टेड ही कहेंगे ना तो वो टैलेंटेड है कोई विशेष टैलेंट है उनमें एम एफ हुसैन बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं क्रिएटिव है जो एकेडमिक्स में अच्छा है जिसको हम इंटेलेक्चुअली ब्राइट कह रहे हैं है, है ना तो हम उसको भी गिफ्टेड ही कहते हैं तो कैसे करेंगे टेक लॉन्ग टाइम इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट नहीं ये जल्दी सीख जाते हैं ज्यादा समय नहीं लेते फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन लर्निंग नहीं इनकी मेमोरी भी अच्छी होती है याद रख पाते हैं चीजें कैन नॉट सर्च फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन सब कॉन्सेप्ट नहीं चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से एक ही ऑप्शन सही है हैव हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनको कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स कहते हैं हम कि इनकी थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है जल्दी समझ लेते हैं चीजों को जो आसान मतलब सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी को नहीं हायर लेवल की ऑर्डर हायर ऑर्डर थिंकिंग भी इनकी हो पाती है एक होता है आपके क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन इनको देने चाहिए गिफ्टेड बच्चों को नहीं तो ये बोर हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ईजी लगेंगे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन क्योंकि वो आसान होते हैं उसमें दिमाग का कम इस्तेमाल होगा हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा होता है

जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशन तीन प्रकार की गोल ओरिएंटेशन होती है अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी है ना मास्टरी मोटिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड यानी सीखने हेतु तो अभिप्रेरण कि बच्चे समझने के लिए सीख रहे हैं कि उनको कोई टॉपिक पढ़ना है क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि समझ में आएगा आज आप ये क्लास अटेंड करने आए क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा या फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे ये क्या हुआ मास्टरी ओरिएंटेशन है नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं फेल होने से बचने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं कि सब कुछ आता हो मुझे मास्टरी आ जाए मेरी टॉपिक्स पे। तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड ये बेस्ट होता है निपुणता उन्मुखी उपागम तीन प्रकार के उपागम है जिसमें से ये बेस्ट है वो थ्री इडियट्स वाला जो रनछोड़ दास रंचोड़ दास था यानी जो आमिर खान का कैरेक्टर था जब वो कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भाग्य किसके पीछे भागे एक्सेलेंस के तो एक्सेलेंस के पीछे जाएंगे सक्सेस अपने आप आ जाएगी जब अच्छे से पढ़ेंगे समझने के लिए तो मार्क्स भी आई जाएंगे तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है इसी पे आपको बच्चे को फोकस रखना है स्कूल में कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों ना कि उसको टॉप कराने पर या फेलियर से बच जाओ सिर्फ तैतीस ले आओ इसलिए तो ये एक मास्टरी ओरेंटेशन होता है मास्टरी ओरिएटेड अवॉइडेंस कुछ नहीं होता मास्टरी ओरिएटेड अप्रोच होती है तो ये आप गलती ना करें फेलियर अवॉइडेंस होता है परफॉर्मेंस ओरिएटेड होता है कि टॉप करो है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस कुछ नहीं होता इसको एक बार को फेलियर अवॉइडेंस कह सकते हैं तो ये तीन प्रकार हैं ओरिएंटेशन के आपको याद होगा मैंने मैराथन में सबसे पहले यही चीज कराई थी क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स ही है आता है ठीक क्या है अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन है ये उपलब्धि लक्ष्य उन्मु, उन्मुखीकरण है गोल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है सेंटर क्या है मोटिवेशन का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है केंद्र क्या है आपके अभिप्रेरणा का किसी काम के करने का बच्चे के सीखने का केंद्र कौन सा होना चाहिए तीनों में तो ये वाला होना चाहिए कि एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस मार के पीछे आएगी मास्टरी ओरिएंटेशन है ना जो बात ये रेंचो कह रहा था या रियल में भी अगर ये है तो अगर क्या मतलब है ही फिर आता है फेलियर अवॉइडेंस वो जो राजू रस्तोगी था विफलता परिहार उन्मुखीकरण फेलियर को अवॉइड करने के लिए पढ़ रहे हैं बस पास हो जाऊं किसी तरह से फेल ना हो जाऊं ये है फेलियर अवॉइडेंस ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा तीसरा था ये चतुर वाला जो कैरेक्टर है जो चमत्कार को बलात्कार बोल रहे थे भाई साहब क्यों क्योंकि पे ध्यान था क्योंकि फर्स्ट आना है बस है ना प्रदर्शन दृष्टिकोण या परफॉर्मेंस अप्रोच इसमें आप सिर्फ नंबर पे फोकस करते हैं नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं इसमें आप फेल होने से बचने के लिए पढ़ते हैं और इसमें आप समझने के लिए पढ़ते हैं लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग तो ये बेस्ट क्या है ये रेंचो वाला कैरेक्टर चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड बाईस सवाल फटाफट से देखेंगे क्या कहता है भाई ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ इमोशन लाइकली टू बी एक्सपीरियंस इन दी इन बाय द स्टूडेंट्स स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में बच्चा कौन सी चीज महसूस करेगा कौन सा इमोशन महसूस करेगा ये आपको बताना है ठीक है प्रज्ञा क्या कह रहे हैं भाई थैंक्स अलॉट फॉर योर ऑसम टीचिंग स्टाइल मैम मैं सिर्फ आपकी वजह से सीटेड दोनों पेपर में क्वालिफाइड हूँ 2023 में पेपर वन में 123 और पेपर टू में 95 और अभी बीपीएससी टीचर बन गई हूँ थैंक्स अलॉट मैम फॉर योर सपोर्ट थैंक यू सो मच प्रज्ञा और आपकी अपनी बहुत मेहनत रही होगी इसमें एक बार ईमेल भी हमें छोड़ दीजिएगा अब मैं इंटरव्यू जो हो भी गए ना मेरे पास इतने सारे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं मैं वो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ काफी टाइम से है ना तो कोशिश रहेगी कि आपको बुलाएं और आपसे बातें करें आपका अनुभव सुने ठीक चलिएगा खैर और इस बार काफी सारे लर्नर्स ऐसे रहे हैं जो ये बिहार वाले एग्जाम में ऑलरेडी जॉब लेकर के अपना टाइम से पहले सीटेट किया और फिर टाइम से अपना जॉब लेकर के सिक्योर महसूस कर रहे हैं चलिए ऑल द बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं हम आप सभी के बल्कि ऐसे ही आप बेहतर करें देखिएगा सिक्सटी फोर परसेंट लोग क्योंकि अच्छे टीचर्स की जरूरत है ना देश को और आप लेट्स लर्न से पढ़ के जा रहे हैं तो इतना तो मान ही सकते हैं कि आप अच्छे ही बनेंगे क्योंकि पेडागोजी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे फिर देखना एक बार फ्रस्ट्रेशन सिक्सटी लोग यही जवाब दे रहे हैं जो कि सही भी है क्यों सही है ये समझ लेते हैं देखिए फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है कब आएगा वेन एक्टिविटी इज वैल्यूड एंड देर इज लो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट ओवर लर्निंग यानी पेपर तो जरूरी है एक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट है टॉप तो करना है मान लीजिए पेपर क्या है इंपॉर्टेंट है पास तो होना है तो क्लियर करना है तो एक्टिविटीज तो क्या एक्टिविटी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है जब कुंठा जब गतिविधि गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है नहीं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन गलत है इसको आप ठीक कर लेना कि गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है नहीं गतिविधि को आप महत्व दे रहे हैं हमारे यहां जो है इलेक्ट्रिक कट है और अगर आ गया तो यहीं से कंटिन्यू कर देंगे आठ सवाल आपके रहते हैं इसमें बेसिकली ये था कि जब आप एक्टिविटी को बहुत वैल्यू दे रहे हैं एक्टिविटी क्या है आपकी एक्टिविटी है आपका एग्जाम लेकिन आपका कंट्रोल कम है उस सिचुएशन पे यानी आप सीखने पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी आपको समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ू कितना पढ़ू कौन पढ़ाएगा कौन सी किताब पढ़ू तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी आपके लिए पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन वो जो एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल आपका नहीं है आपको ये नहीं पता जाना किधर है तो फ्रस्ट्रेशन आएगी फिर हिंदी में वो ट्रांसलेशन गड़बड़ है या तो भाई एक आध मिनट में जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी वापस से नहीं